सब्जी उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद वर्षों बीतने के बाद भी रादौर में सब्जी मंडी नहीं बनी है, जबकि गेहूं व धान के सीजन में अनाज मंडी में सड़कों पर अस्थाई सब्जी मंडी लगती है, जिसके कारण आढ़तियों व किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बता दें कि सब्जी का हब कहे जाने वाले रादौर में वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक स्थायी सब्जी मंडी नहीं बनाई गई, जिससे ना केवल किसानों को बल्कि आढ़तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गेहूं और धान के सीजन में तो यह समस्या और विकराल हो जाती है, जब अनाज मंडी में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को बाहर कर दिया जाता है, जिस कारण आढ़तियों को सब्जी मंडी सड़क पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं सब्जी आढ़ती विजय कुमार ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से रादौर में स्थायी सब्जी मंडी बनवाने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के आज तक किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में अस्थायी तौर पर सब्जी की बिक्री की जा रही है, वहीं गेहूं और धान के सीजन में तो उन्हें मंडी से बाहर ही कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन सड़क पर सब्जी की मंडी लगानी पड़ती है। सड़क पर सब्जी मंडी लगाए जाने से सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहर में पार्क तो बनाए गए हैं, लेकिन सब्जी क्षेत्र के लिए आज तक मंडी का निर्माण नहीं किया गया। आपको बता दें कि रादौर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जो कि सब्जी की ही खेती करते हैं, और मंडी के अभाव में किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए यमुनानगर व अन्य प्रदेशों की मंडियों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को किसानों और आढ़तियों की इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। मंडी में अनाज आता है और जीरी गड्ढा में जीरी आती है, हमारे सड़कों पर निकाल दिया जाता है। इससे हमारे जिमीदार परेशान है, ग्राहक परेशान है, लेने वाले परेशान है, बेचने वाले परेशान है। हम तो सारी सरकारों को अपील कर चुके हैं, पर उन्होंने हमारी अपील नहीं सुनी। हमारी सरकारों ने यहाँ पार्क तो बना दिए हैं, पर सब्जी मंडी के कोई गौर नहीं कर रहा है। जिमीदारों के अनदेखी कर रहे हैं, व्यापारियों को अनदेखी कर रहे हैं, आर्थिक अनदेखी कर रहे हैं। हमारे मजदूर परेशान हैं, रेहड़ी वाले परेशान हैं, फेरी वाले परेशान हैं, लेने वाले परेशान हैं, बेचने वाले भी परेशान हैं। अनाज मंडी में जगह थोड़ी है, ये अलग सब्जी मंडी काट रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी यही मांग है सरकार से कि अलग एक मंडी बनाई जाए सब्जी मंडी, क्योंकि ये सब्जी मंडी का एरिया है, बहुत ज़्यादा सब्जी होती है यहाँ पर यहाँ अनदेखी कर रहे हैं। आई आने वाली 70 साल से सरकार के अपील कर रहे हैं कि मंडी बनाओ, पर हमारे यहाँ की मंडी बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक